ट से बहुत कुछ सीखना है टी आर एस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए है। कहते हैं कि रोमांस में पहले लॉन्ग टर्म रोमांस में पहले फिजिकल इंटमेसी चली जाती है फिर इंटेलेक्चुअल इंटमेसी चली जाती है वो जो एक्साइटमेंट फील होती थी कॉन्वर्सेशन की वजह से वो चली जाती है फिर इमोशनल इंटमेसी कभी कभी चली है सालों के बाद

जिसके साथ आप एक सोल कॉन्शियसनेस के साथ रिश्ता एक्सपीरियंस है, करते हैं वे दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट बेस्ड ऑन रोल पोजिशन मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स इट्स जस्ट अ सोल कनेक्टिंग टू अनदर सोल जहाँ पे एक्सेप्टेंस है एम्पथी है मतलब बॉडी कॉन्शियस नहीं है ईगो कॉन्शियस नहीं है यू आर इन टू अ सोल टू सोल कनेक्शन अगर सोल टू सोल नहीं होता है तो हम कहते हैं ईगो क्लैश हो रहा है इनका ईगो उनके ईगो के साथ क्लैश हो रहा है सो ऑपोजिट ऑफ ईगो क्लैश इज सोल टू सोल कनेक्शन तो जितना मेडिटेशन करके आप सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं आपके रिश्ते चेंज हो जाते हैं क्योंकि आप उस रिश्ते को भी ईगो के थ्रू नहीं सोल कॉन्शियसनेस से करते हो तो रिश्ते तो बहुत प्यारे हो जाते हैं उसके बाद okay. एक मैरिज को करने के लिए क्या करना चाहिए ये प्रैक्टिस करके <laughs> देख सकते हैं बिकॉज आप अपने रिश्ते को एक बहुत छोटे स्तर के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हो hmm. और आज तो हम देख रहे हैं ना समाज में क्या हो रहा है मतलब उस छोटे स्तर की चीज के लिए हम रिश्तों के भी बाहर जाकर मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं अब क्या कहेंगे इसको फिर नाउ वट विल यू से वेर इज द लॉयल्टी गॉन इसे, इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है सो वेर इज द लॉयल्टी गॉन वॉट रिश्ता टॉकिंग अबाउट कितने घर टूट रहे हैं कितने रिश्ते हिले हुए हैं क्यों बिकॉज यू आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट कि आपको तो मर्यादा नहीं याद रह रही तो मर्यादा की लाइन तोड़ रहे हैं उसको हम नॉर्मल कह रहे हैं और अगर कोई प्योरिटी को जा रहा है तो हम कहते हैं ये अब नॉर्मल है ये तो लोगों की सोच है नज़रिया है एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जब और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत महान हूँ जस्ट मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस करी मुझे फ़ायदे मिले आ, मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि उनके कंटेंट की वजह से मेरे दिमाग में चीज़ें हो रही थी और जिनको अनफॉलो नहीं कर पाया पर अनफॉलो करना था उन्हें म्यूट कर दिया Yeah. तो मैं अभी कभी उन्हें देखता भी नहीं अपने फीड फीड पर मेरे पे सिर्फ विराट कोहली और और, yes. तो तो मतलब और और आते हैं क्या कंज्यूम करना है इंस्टाग्राम पर ना आपके बहुत सारे दोस्त भी कंटेंट बना रहे इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा सेक्शुअलाइज जगह है मेरे पूरे जनरेशन के लिए

अगर आपने अनफॉलो नहीं किया तो वो आता भी जाएगा तो थोड़े दिन के लिए इट्स सेल्फ रिस्ट्रेन व्रत करना है ये जो हमें व्रत सिखाए जाते हैं ना वो इसी के लिए होते हैं व्रत सिर्फ खाने पीने का नहीं करना होता कोई भी सिर्फ ये कहे कि मैं एक महीना ऐसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करूंगा थोड़े दिन मन करेगा जाने का बट दैट इज वेयर योर विल पावर इज गोइंग टू गेट यू एक महीने के बाद वो थॉट हट जाएगी खत्म हो जाएगा वो सारा कुछ मैं दो कहानियाँ शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदे मिले एंड आई थिंक इट्स द राइट मोमेंट ठीक है पहली कहानी है एज की जब मैं चीनी छोड़ रहा था जिम के लिए तो मुझे स्वीट्स बहुत अच्छे लगते थे yeah. आ, और मैंने ये जाना कि जब आपको क्रेविंग फील होती है बेसिकली आपका मन आपको एक स्लेव बना कर ये कह रहा है कि अभी चीनी खाओ yes. आ, अगर आपने वो जान लिया और एक बार वो क्रेविंग को बीट किया yes. तो एक बार उसे कहा कि नहीं यार मुझे नहीं मैं नहीं खाऊंगा हाँ. वो एक हफ्ता या एक महीना मुश्किल होता है फिर उसके बाद आपको चीनी की याद भी नहीं आती बस यही था exactly यही है और अभी नाउ ये हुआ एट एज सेवनटीन एट एट एज एटीन कुछ देर पहले कुछ महीनों पहले आ, मैं एक बहुत बुरे ब्रेकअप से गुजर रहा था और मुझे किसी की याद आ रही थी हाँ। बहुत ज्यादा हाँ। और मुझे ये भी ये भी पता था कि वो रिलेशनशिप हम दोनों के लिए मेरे लिए भी और उनके लिए भी अच्छी नहीं थी ठीक है तो इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट ठीक है पर मैं इंस्टाग्राम खोलता था उन्हें स्टॉक करता था उनके अकाउंट yes. मतलब मेरे दोस्तों के अकाउंट से एटसेप्ट फिर मैंने ये देखा कि जितना ज्यादा मैं स्टॉक कर रहा हूँ उतनी ही ज्यादा उतना ही ज्यादा दर्द मुझे फील हो रहा है तो मैंने एक पॉडकास्ट uh, गेस्ट को यह कहा ऑफलाइन एज एन ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आपको उन्हें स्टॉक करना है, पहले तो वो मत करो hmm. पर उस थॉट को रिप्लेस करने के लिए yes. आप अपने डेटी को याद करो जो मेरी स्पिरिचुअल थॉट है डेटी एज एन जिस देवता को मैं मानता हूं right. और वो कोई भी हो सकता है hmm. कहते हैं कि एवरी वन बिलीव इन गॉड दे जस्ट कॉल इट डिफरेंट तो अगर आप गॉड को यूनिवर्स बुला रहे हो तो यूनिवर्स right. को याद कर, yeah. कर लो अगर आप गॉड को पॉजिटिविटी बुला रहे हो पॉजिटिव याद कर लो अगर गॉड आपकी मम्मी है तो मम्मी को याद कर लो <laughs> पर मान लो वो दर्द आपके दिमाग में उस दर्द को सबमिट कर दो right. कहीं और तो लिटरली जब मुझे वो थॉट आती थी मैं काल भैरव के बारे में सोचता हूँ जो मेरी मेरी डेटी है huh. थॉट आती थी मैं बोलता था ओके काल भैरव ले लो टेक इट अवे फ्रॉम मी और ये मैं एज अ हेल्प इस पॉडकास्ट पर कह रहा हूँ आई नो कि ये थोड़ा ओवर शेयर कर रहा हूँ पर फिर भी लिटरली uh, कुछ दिनों में मुझे फ़र्क दिखने लगा कुछ हफ्तों में मैं खुश होने लगा और कुछ महीनों में आई थिंक मैं ठीक हो गया exactly. और वो हीलिंग एक्चुअली स्टक थी बहुत देर के लिए right. uh, पर जस्ट ये करने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हुई कहते हैं कि द पेन यू फील आफ्टर ब्रेकअप इज़ लव दैट डज नॉट नो वे टू गो तो ये दर्द दर्द जो फील हो रहा था था बेसिकली लव ही उस को आप फिर से लव में कन्वर्ट करके अपने भगवान को दे रहे हो right. और फिर आपका रिश्ता भगवान के साथ भी बढ़ता है और एक बार आपका रिश्ता भगवान के साथ बढ़ा आपकी पूरी लाइफ में अच्छी चीजें होने लगती है तो ये बस एक लाइफ एक्सपीरियंस है कितना ब्यूटिफुल है इसको हमेशा यूज करना है और इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेना है आपको बार बार किसी की याद आ रही है याद इसलिए आ रही है क्योंकि आपको उनसे कुछ मिल रहा था सी वाई आर वी गोइंग टूवर्ड्स एनी थिंग

बस उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है इवन समथिंग लाइक दैट बट उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है और जितना मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है ना मुझे और किसी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है जितना उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड कर सो दिस इज़ ऑल बिकम माय नीड सो आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप फॉर अ नीड तो मुझे कुछ मिल रहा है सडनली अब वो पर्सन इज नॉट इन माय लाइफ तो वो जो मेरी नीड है उसका क्या होगा तो जो पेन है ना वो एक्चुअली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन इट इज़ बिकॉज वो जो मेरी डोज थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही अभी तो जब आप बार बार पढ़ने जाएंगे उनके बारे में या देखने जाएंगे उनके बारे में आप उनको अपने माइंड पे फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह मुझे फिर से जो मुझे फील होता था ना उनके साथ वो फीलिंग मुझे चाहिए तो अब वो मिल नहीं रही है तो फिर इसलिए आपको किसी ने जो सिखाया विच इज़ सो मच पावरफुल कि उस समय दैट्स वो यू थॉट को चेंज करो थॉट को चेंज करना है हर बार अगर आप थॉट को नहीं चेंज करते यू कैन लिव इन दैट पेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो थॉट को चेंज कैसे किया इनको याद कर रहे थे तो उनकी इमोशन के साथ कनेक्ट हो रहे थे एक थॉट के अंदर परमात्मा को याद किया तो किससे कनेक्ट हो जाएंगे उसकी पावर के साथ कनेक्ट जैसे ही आप परमात्मा की पावर के साथ कनेक्ट हुए आपको वहां से कुछ मिलता है ऑफ कोर्स आपने किसी को याद किया है ना याद किए करेंगे तो वाइब्रेशन तो आएगी ही आपने फोर्स के साथ याद किया बट याद तो किया ना मतलब आप इस वेबसाइट पे जा रहे थे तो वो डेटा डाउनलोड हो रहा था अब वो डेटा आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो आपको किसी ने कहा आप दूसरी वेबसाइट पे जाओ मतलब उससे कनेक्ट करो अब आपने जैसे ही वहाँ कनेक्ट किया ना आपको एक कम्फर्ट फीलिंग आई आपको एक अच्छा फीलिंग आई चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो थोड़ी देर के बाद आपको वापस उस व्यक्ति की याद इनिशियली ऐसे ही होता है थोड़ी देर तो याद अभी भी आ रही होती है लेकिन हम फोर्सफुली वो करते हैं जो मुझे किसी ने सिखाया है दैट्स हाउ माई जर्नी बिगिनस फिर जब आपने याद किया ना आपको अच्छा लगा थोड़ी देर यू वर रिलीफ फ्रॉम दैट पेन अगले दिन आपने किया और अच्छा क्यों किया तो जब वो किया आपको एक अलग एनर्जी आई तो वट वर वी डूइंग वी वर गेटिंग एन एनर्जी फ्रॉम ह्योर नाउ वी आर टेकिंग एन एनर्जी फ्रॉम ह्योर अब इसके लिए सिर्फ ब्रेकअप में नहीं करना है इसको इसको हर रिश्ते में करना है डोंट गोइ टू एनी रिलेशनशिप टू गेट गो इन टू एवरी रिलेशनशिप टू गिव जो आपने कहा ना मैरिज कैसी होनी चाहिए मैरिज नहीं कोई भी रिश्ता कैसा होना चाहिए गो इन टू द रिलेशनशिप टू गिव ताकि आपकी उस रिलेशनशिप पर कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी आप कभी भी उस रिश्ते में ऐसे नहीं होंगे क्या आई कैन नॉट डू विदाउट यू आई केन नॉट लिव विद आउट यू वाई आर यू नॉट याई डिड यू नॉट कॉल मी दिस ऑल गेट्स वेरी सफोकेटिंग बट सामने वाला वो मेरी एक डोज की तरह है ना जो मेरी डोज कम हो जाती है तो मुझे बहुत रेस्लेस होता है फ़ोन नहीं आया उनका फ़ोन नहीं आया उन्होंने बात नहीं की रेस्टलेस फीलिंग तो मेडिटेशन क्या करता है मेडिटेशन वेन यू कनेक्ट देअर नॉट जस्ट आपको जब उनको भूलना है बट आप रोज़ जब कनेक्ट करते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपका भरता जाता है फिर आपको यहाँ से चाहिए न गो इन टू एवरी रिलेशनशिप टू गिव नॉट टू गेट इट्स नॉट जस्ट एज अ पार्टनर बट इन एवरी रिलेशनशिप अगर आपको रिश्तों को स्ट्रांग बनाना है इन टू द रिलेशनशिप एज अ गिवर वहाँ से लेते जाओ और सबको देते जाओ इस प्रोग्रामिंग को चेंज करो कि रिश्तों में मुझे कुछ मिलना चाहिए वी मीट सो मेनी कपल्स टूडे हु आर चूजिंग टू सेपरेट आप उनको पूछो वॉट इज द रीजन -10 साल पहले ना एक बड़ा हुआ करता था हमारे घर में हो 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 रहा है, वो हो रहा है है वो आजकल क्या कहते हैं हैं नथिंग नथिंग के बिना क्यों अलग हो रहे कॉन्शियसनेस no, yeah, so so से जाएंगे आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग वाई शुड आई बी देर तो हम गए गो इन टू अ रिलेशनशिप टू गिव तब वो रिलेशनशिप हमेशा मजबूत रहेगा क्योंकि आप गिवर हैं दैट इज़ वेन यू बिकम अनकंडिशनल सो दैट ऑल्सो हैज टू बी अ लर्निंग फ्रॉम दिस थिंग अब हम किसी के साथ भी कनेक्ट होंगे तो हम देने के लिए कनेक्ट होंगे हम लेंगे वहां से और सबको हम देंगे हम ऐसे नहीं जाएंगे किसी रिश्ते में डोंट गो इन टू एनी रिलेशनशिप फॉर सम वन टू फिल योर वैक्यूम डोंट बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू फिल दैट वैक्यूम फॉर वेरी लॉन्ग और इसीलिए इनिशियल ईयर्स में रिश्ता अच्छा होता है फिर शादी के कुछ सालों में भी रिश्ता अच्छा होता है बट वो थोड़े दिन के बाद वो कहते हैं ओ दैट मैजिक इज नो मोर देयर आई एम नॉट गेटिंग बिकॉज वो वैक्यूम मेरा नहीं भर रहा है अभी तो कभी भी किसी से भी अपने वैक्यूम भरने के लिए वैक्यूम वहाँ से भरो सबको देते वैक्यूम खुद भरना चाहिए वही तो खुद भरना चाहिए नहीं भरा तो रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करनी चाहिए नहीं बट वो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट रिलेशनशिप इट इज़ अबाउट एवरी रिलेशनशिप एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी giving गिविंग के लिए होना चाहिए हम कहते हैं आज बच्चे क्यों ऐसे हो रहे हैं उनको पेरेंट्स कितनी पावर क्यों दे रहे हैं दे ही नहीं रहे पावर खुद ही स्ट्रेस्ड हैं तो बच्चे को क्या देंगे उन्होंने तो लग उनको सोचा बच्चों से हमें खुशी मिलेगी बच्चों से हमें खुशी मिलेगी सिर्फ नहीं मुझे बच्चों को खुशी और शक्ति देनी है आई हैव टू मेक दम इमोशनली स्ट्रांग सो गो इन टू एवरी रिलेशनशिप एज अ गिवर ये वैक्यूम यहां है इसको भरना सिर्फ खुद है और मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी उसका एक बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए रेड शो